What's up people, welcome back to my channel. This is Kayum and you are watching Kayum Vlogs. I will keep this video short and simple. Jyada isme koi cinematics cinematics nahi dalega because this is an informative video. I have seen a lot of comments where people have been asking me what equipments do I use, which editor do I use and which camera do I have. So usi ke upar hum ye video bana raha hai. On top of that, I will share you my basic blogging tips that I learned during the entire course of blogging. So I hope you find this video useful and informative. So what are we waiting for? Let's begin this. So the first thing that I have here is my phone. This is the Realme 2 Pro. Aur isi se hum mera blogging start kiya tha. So basically what I want to say is you don't need a high end camera or something like that. जब अगर आपको ब्लॉगिंग करना है या फिर आपको यूट्यूब में आना है तो स्टार्ट विद व्हाट यू हैव एंड सी बाद में क्या होता है. अगर आपका चैनल ग्रो होता है देन यू कैन डेफिनेटली अपग्रेड योर आइटम राइट. सो या दिस इज़ व्हाट आई स्टार्टेड माय इनिशियल ब्लॉगिंग विद. द नेक्स्ट थिंग वी हैव हियर इज दिस गोरिल्ला ट्राइपॉड. बिलो 500 आपको ये मिल जाएगा. इट्स नॉट दैट कॉस्टली. आप इसको एज अ बिगिनर आप यूज़ कर सकते हैं एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ट्राइपॉड इज आप इसको कहीं भी ऐसे ऐसे मोड़ सकता है, कहीं भी लटका सकता है, कोई भी आप सरफेस हो उधर आप आराम से इसको स्टैंड कर सकते हो. इट डज नॉट मैटर आप कौन सा स्टैंड कैसे करके रखते हैं. सो आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट एंड दिस गोरिल्ला पॉड कम्स विद दिस स्मॉल रिमोट. ये रिमोट जो आपका इसका कैमरा को कंट्रोल करता है. मान लो कि आप कहीं दूर में बैठा है, इट्स हार्ड फॉर यू टू यू नो कैमरा को बार बार ऑन करने के लिए. सो आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप अपना कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं. इट कम्स विद दिस ओनली. आपको ये गोरिल्ला पॉड का साथ ही आपको ये फ्री मिलता है. सो इट्स अ डील यार, इट्स गुड. सो नाउ द थर्ड थिंग दैट आई हैव हियर इज़ द बोयस M1 ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन. तो दिस इज़ द डेड किट. इसको डेड किट बोलते हैं. व्हाट हैपन्स इज जब आप बाहर ब्लॉगिंग करने जाता है ये आपको प्रोटेक्ट करता है विंड का नॉइज़ से. तो विंड का नॉइज़ नहीं आता है एंड दिस इज़ द इसका अंदर में माइक है. दिस इज़ द माइक. और इसका ऑलरेडी हम पहले भी अनबॉक्सिंग और इसका ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है. सो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए इसका अनबॉक्सिंग और आप इसका फुल रिव्यू देखने के लिए. एंड ऑल्सो आई यूज़ दिस लेवलियर लेपल कॉलर माइक्रोफोन एंड द ऑडियो दैट यू आर हियरिंग राइट नाउ इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड विद इट. कमिंग टू द कैमरा आई यूज़ द कैनन G7X Mark II और इसका ऊपर भी हम ऑलरेडी एक फुल ब्लॉग बना चुका है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द फुल रिव्यू ऑफ दिस कैमरा डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. Now let's talk about the basic editing software that I use to edit my videos. There are three which I usually use. The first one is Movavi Video Editor. It is a very basic software. आप इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकता है. आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा 30 डेज के लिए. एंड द सेकेंड वन इज़ विंडो वंडर शेयर फिल्मोरा. मेरा मोस्टली जितना भी वीडियोज है सब फिल्मोरा का ऊपर ही एडिट किया है हम. द लास्ट वन इज़ एडोबी प्रीमियर प्रो. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर देयर इज. लेकिन ये थोड़ा सा हमको कॉम्प्लिकेटेड लगता है. सो आई यूज़ फिल्मोरा. फिल्मोरा इज़ मच ईजियर टू अंडरस्टैंड. तो अगर आप एडिटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू कैन आइदर गो फॉर मोवावी एज अ बिगिनर और यू कैन गो विथ वंडर शेयर फिल्मोरा. तो दिस इज़ व्हाट आई वर्क ऑन. ये इसका ओवरऑल यूज़र इंटरफेस है. इट्स वेरी इजी टू लर्न. और इसका ऊपर हम ट्यूटोरियल नहीं बनाएगा एट द मोमेंट क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. देखता है इन फ्यूचर अगर किसी को इसका ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो आई विल मेक श्योर कि हम उसका ऊपर भी वीडियो बनाएं. सो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट आई वर्क ऑन. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द म्यूज़िक दैट वी यूज़ इन द वीडियो. म्यूज़िक सेलेक्शन में बहुत गलती कर देते हैं. व्हाट हैपेंस इज आप कोई भी जब म्यूज़िक यूज़ करते हैं इसकी कॉपीराइट इशू हो जाता है. कॉपीराइट इशू में क्या होता है कि आप अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, आप अर्न करता है, तो यू वोंट बी एबल टू मोनेटाइज दैट वीडियो. अगर जिसमें आपका कॉपीराइट लग गया ना तो वो वीडियो को आप मोनेटाइज नहीं कर सकेगा एंड वो वीडियो से आप अर्न नहीं कर सकते हैं. सो म्यूज़िक के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो टू यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी. आप यहाँ से जो ऑडियोज यूज़ करेगा, आप जो भी म्यूज़िक यूज़ करेगा दैट विल बी फ्री टू यूज़. आपको इसमें कोई कॉपीराइट नहीं लगेगा. इट इज़ फ्रॉम यूट्यूब इट्सेल्फ. आप यहाँ से अलग अलग जॉनर का सॉन्ग्स ले सकते हैं. पॉप है, हॉलीडे है, आपको जिस टाइप का म्यूज़िक चाहिए सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा. एंड दीज आर एब्सोल्युटली फ्री. और आइदर व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो टू साउंड क्लाउड. ये साउंड क्लाउड जो है इसमें भी आपको फ्री म्यूज़िक मिल जाएगा. लुक फॉर नो कॉपीराइट म्यूज़िक या फिर नो कॉपीराइट सॉन्ग्स. आप वो टाइप कीजिए
नो कॉपीराइट, तो आपको वहाँ पे सब नो कॉपीराइट वाला सॉन्ग्स मिल जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस, क्योंकि बहुत सारा लोगों को देखा है कि वो लोग कोई भी म्यूज़िक डाल देते हैं, बाद में उसमें कॉपीराइट आ जाता है, आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो कॉपीराइटेड है कि नहीं है। सो म्यूज़िक सिलेक्शन में थोड़ा ध्यान रखना। वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज़ कि हम लोग का यहाँ में एक भी फूड ब्लॉगर नहीं है। फूड ब्लॉगर इन द सेंस व्हाट आई मीन इज़ जेन्युइन जो यहाँ का कुजीन है, कुजीन का ऊपर कोई ब्लॉगर नहीं है। आप बहुत सारा ब्लॉगर्स देखोगे जो यूट्यूब में है, हु मेक्स रेसिपीज़ ना, रेसिपीज़ को आप बनाता है फिर उसको दिखाता है हाउ टू मेक दिस हाउ टू मेक दैट। तो यहाँ में भी बहुत सारा ऐसा कुजीन्स है जो कि अभी तक दूसरों लोग को पता नहीं है, जैसे कि आपका पीके पीला हो गया, ओइक सब्जी हो गया, देन देर आर इकू हो गया, यमतर कैसे बनाता है, देन लुकतर कैसे बनाता है, अम्बन कैसे बनाता है, अतिंग जिसको गलों में अति भी बोलते हैं वो सब कैसे बनाते हैं। यू कैन क्रिएट ए चैनल ऑन दैट। फूड ब्लॉग इज़ वन दैट अभी तक कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो आप फूड ब्लॉग एक स्टार्ट कर सकते हैं एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन यू नो प्रोमोटिंग द cuisines of Arunachal. So do it if you are interested in. And if you don't know, many of the bloggers in our state initially started their YouTube career with their cell phone. हम भी अपना ब्लॉगिंग सेल फोन से स्टार्ट किया था। सो यू डोंट रियली नीड एन एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, आप जो आपका पास है आप उसी से यूज़ कीजिए। ऑन द गो आप जैसे जैसे ब्लॉगिंग करते रहेगा देख सकेगा कि आपका कहाँ गलती हो रहा है, आपको कंटेंट में क्या सुधार लाना है। सो डोंट गिव दैट एक्सक्यूज कि मेरे पास ये नहीं है ये नहीं है। इफ़ यू हैव द विल टू डू एनीथिंग स्टार्ट इट राइट नाउ, डोंट गिव एक्सक्यूजेस। सो जैसे जैसे आप ब्लॉगिंग करते जाएगा यू विल लर्न मोर अबाउट ब्लॉगिंग, आपका फ्लॉज आपका ठीक हो जाएगा एंड देन यू शुड अपग्रेड योर इक्विपमेंट्स। ऐसा नहीं है कि आप शुरू में बहुत DSLR ले लिया ये ले लिया बट यू डोंट नो हाउ टू फेस द कैमरा, फिर आप पब्लिक में कैसे बोलना चाहिए, आपको अगर ये फ्लोज रहता है तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग ब्लॉगिंग विथ रियली एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। इसीलिए आप जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करता है या आप जो भी चैनल क्रिएट करता है स्टार्ट विथ व्हाट यू हैव। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है बॉस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आपको जो भी पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आई विल बी ग्लैड टू रिप्लाई यू बैक एंड या दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू अप इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। अंटिल देन गुड बाय एंड सायोनारा।